हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और जीटीयू डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह ताजा टेक की खबरें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं और ऐसे में इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आज की खबरें बहुत ही मसालेदार हैं, एक भी मिस मत करना। और शुरुआत करते हैं टेक पोल के साथ। तो टेक पोल मैंने पूछा था भाई, यूपी के अंदर पॉन बैन हो गया है और यूपी की गवर्नमेंट एक्शन ले रही है उन लोगों पे जो कि पॉन सर्च कर रहे हैं, यानी कि गूगल पे अगर आप पॉन सर्च करें और आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको आ सकता है वार्निंग मैसेज और बाद में पुलिस भी आपके घर आ सकती है। तो ऐसे में इस पोल के अंदर लोगों ने कहा कि भाई इससे क्राइम कम होगा, 22% ऐसा बोल रहे हैं, 62% बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा ऐसा करने से। फिर इसके बाद गूगल में पॉन कौन सर्च करता है ये भी यहाँ पे बोला है, और फिर कुछ लोग कह रहे हैं 7%, अब ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप इनमें से कौन है ये बताना कमेंट्स में। खैर, फिलहाल बात करते हैं टेक न्यूज़ के साथ और पहली खबर आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल लॉन्च करने वाला है अपना नया पिक्सल, और जो कि एक फोल्डेबल फ़ोन हो सकता है। तो पहली बार पिक्सल फ़ोन जो है गूगल की तरफ से आने वाला फोल्डेबल सीरीज में आ सकता है। अगर ये फोल्डेबल फ़ोन हुआ तो बिल्कुल नई बात होगी, लेकिन ये फ़ोन बनाएगा कौन, क्योंकि गूगल तो बनाता नहीं है फ़ोन। तो ऐसे में ये फ़ोन हो सकता है कि मोटरोला या लिनोवो बना के दे इनको, क्योंकि गूगल ने मोटरोला ने इन्वेस्टमेंट की है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये फ़ोन आ सकता है। बाकी इसके बारे में कोई लीक खबरें हैं नहीं, जैसे आएंगी आपको बता देंगे। दोस्तों, अगली खबर है फौजी के बारे में, और फौजी के अंदर आने वाले हैं टीम डेथ मैच एंड बाकी और नए नए मोड्स, बैटल रॉयल वगैरह भी शायद आ जाएगा। तो ये मोड्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। टीम डेथ मैच सबसे पहले आएगा, ऐसा एनकोर गेम्स की तरफ से आया है कि बहुत जल्दी कुछ नए फीचर्स आएंगे। तो आई होप कि इस गेम को खेलने का एक नया रीज़न मिलेगा और टीम डेथ मैच में एक्चुअली में मज़ा आ जाएगा अगर ये गेम आता है उस पर्टिकुलर मोड के साथ। लेकिन ग्राफिक्स भी अच्छे होने चाहिए और कहीं ना कहीं वो मज़ा आना चाहिए जो कि कभी पबजी में आता था। वैसे आप लोग तो पबजी कोरियन खेलते होंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बता रहे थे कि पबजी कोरियन खेलते हुए कुछ प्रॉब्लम आ रहा था सर्वर का। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो बताना कमेंट्स में, हम आपको हेल्प करेंगे उसको फिक्स करने के लिए। अब बात करते हैं अगली खबर, और ये आ रही है माधव सेठ जी की तरफ से। माधव सेठ जी ने यहाँ पे ट्वीट डाला है Realme Leap with 8, यानी कि Realme 8 के बारे में बात कर रहे हैं और वो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने एक 8 बना दिया है और Realme 8 वहाँ पे आने वाला है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी इंडिकेशन Realme GT या फिर Realme Race की भी दी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रेसिंग ट्रैक जैसा दिख रहा है। 8 तो है ही, तो Realme 8 एंड 8 Pro की तरफ उनका इशारा है। तो बहुत जल्दी वो फ़ोन्स भी आने वाले हैं, मार्च के अंदर हमें Realme के नए फ़ोन्स मिलेंगे, शायद Realme GT भी यहाँ लॉन्च हो जाए, क्या पता, यू नेवर नो। दोस्तों, अब बात करते हैं नए iMac की जो कि आने वाला है 2021 में। इसकी एक लीक फोटो, एक तरह से रेंडर जो है वो लीक हो गया है। तो रेंडर के अंदर दिख रहा है कि ये काफ़ी स्लिम होने वाला है। अभी तक हमने जितने भी iMac देखे हैं वो पीछे की तरफ से ऐसे कर्व्ड होते हैं, फ्रंट में फ्लैट डिस्प्ले होता है, लेकिन इस बार ये बिल्कुल iPad जैसा डिस्प्ले लेके आने वाला है। तो ऐसे में अगर ऐसा डिस्प्ले आएगा और इस तरह की लुक्स होगी तो डेफिनेटली और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और iMac हमेशा की तरह बिल्कुल प्रोफेशनल के लिए एक बहुत ही अच्छा एडिटिंग टूल रहा है, हालांकि कभी भी हमने ट्राई नहीं किया, लेकिन हो सकता है इस बार हम लोग भी ट्राई करें। तो आपका क्या कहना है नए iMac के बारे में, या फिर आप पुराना इंटेल वाला iMac लोगे, क्योंकि नया वाला iMac नए प्रोसेसर के साथ आएगा जो कि Apple की तरफ से होगा, और Apple का MacBook Pro जो नए प्रोसेसर के साथ आया है सब लोगों को बहुत अच्छा लगा है, तो ये वाला भी मेरे ख्याल से और बेहतर होगा। दोस्तों, करंट खबर ये आ रही है Evan Blass की तरफ से, बाय बाय कर दीजिए OnePlus 9e SE and Lite को, क्योंकि जो OnePlus का 9 सीरीज का सबसे लास्ट फोन है, 9 नहीं, 9 Pro नहीं, वो होने वाला है 9R, OnePlus 9e या SE या Lite नहीं होने वाला। तो OnePlus 9R, इट इज़ अ न्यू सीरीज आई वुड से, और एक नई शुरुआत है। तो R का क्या मतलब है ये पता चलेगा समय के साथ, लेकिन हाँ, ये सबसे सस्ता फ़ोन होगा और इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए जाएंगे। अगेन, OnePlus 8T को ही 9R बनाने की तैयारी है ऐसा सुनने में आया था। बाकी और जो भी डिटेल्स आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी है ऐसी खबर जो कि निकली फेक, लेकिन मैंने सोचा था कि एक उम्मीद की किरण आई है तो आपको बता दूं। मैंने एक ट्वीट डाला था जिसमें बताया था कि भाई यहाँ पे मनु कुमार जैन जी दिख रहे हैं, साथ में दो बॉक्सेस दिख रहे हैं जो कि Redmi Note 10 सीरीज के बॉक्स लग रहे थे। फिर बाद में पता चला कि भाई ये तो Redmi Note 10 सीरीज के बॉक्स नहीं थे, मैंने उसको कन्फर्म भी कर दिया। लेकिन हाँ, एक उम्मीद की छोटी सी किरण जागी थी जो कि खत्म हो चुकी है। मेरी आज बात हुई थी एक कॉन्फ्रेंस के अंदर मनु कुमार जैन जी से, उन्होंने कहा कि भाई Redmi Note 10 मेरे हाथ
हाथ में है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता, कुछ दिन आपको रुकना होगा और उसके बाद हम आपको और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। खैर फिलहाल अभी तक जितने भी बॉक्सेस आए हैं ऑनलाइन Redmi Note 10 के या Note 10 सीरीज के, वो शायद सही हो शायद नहीं हो, कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ अभी बॉक्स की इमेज से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल इमेज और बाकी सारी चीज़ें समय के साथ हमें मिलेंगी। दोस्तों अगली खबर आ रही है Samsung Galaxy A52 5G के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है कि ये वाटर रेजिस्टेंट डिवाइस होगा। अब ये IP68 सर्टिफाइड हुआ तो ये फ़ोन महंगा हो जाएगा, लेकिन IPX7 सर्टिफाइड हुआ अगर ये, तो ये फ़ोन सस्ता रहेगा और उस केस में बढ़िया रहेगा। अच्छी बात है कि वाटर रेजिस्टेंट होगा, ऐसी एक इमेज निकल के आई है, ये भी Evan Glass ने डाली है वॉइस वेबसाइट पे, तो कहीं ना कहीं और डिटेल्स आती जा रही हैं, कुछ दिनों में हमारे हाथ में आ जाएगा सैमसंग का A52 और हम करेंगे अनबॉक्सिंग और आपको बताएंगे इस फोन के बारे में सब कुछ। दोस्तों बात करते हैं टेक ऑफ द डे, और टेक ऑफ द डे में आज के दिन हुआ था पहला चेक फोटोग्राफिंग डिवाइस पेटेंटेड। जी हाँ, पहला ऐसा कैमरा जो कि चेक को फोटोग्राफ करता था। सोचो उस टाइम पे आप ह्यूमंस की फोटो भी नहीं ले सकते थे क्योंकि प्रॉपर कैमरा वैसे नहीं थे जो कि ह्यूमन की फोटो ले पाए, लेकिन चेक की फोटो लेने के लिए कैमरा बनाया गया था और उसका पेटेंट लिया गया था, और ये हुआ था 25 फरवरी में। तो 25 फरवरी 1925 में ये नया डिवाइस आया था जिसमें चेक की फोटो होती थी, और आज के टाइम पे हम चेक की फोटो फ़ोन से ले लेते हैं और उसका PDF भी बना देते हैं, उसको स्कैन भी कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे कितना मुश्किल था, और देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है। दोस्तों पबजी का नया गेम लॉन्च हो गया है। क्राफ्टन कंपनी जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, पबजी का एक नया वर्जन उन्होंने लॉन्च किया है, पबजी न्यू स्टेट। ये शायद पबजी से थोड़ा इंस्पायर्ड है, उस तरह का गेम है, लेकिन दुख की बात यह है कि हम इस गेम को नहीं खेल सकते क्योंकि ये गेम इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके तरीके हम ज़रूर बताएंगे आपको कि कैसे आप APK वगैरह डाउनलोड करके खेल सकते हैं शायद इसको यहाँ इंडिया में। उसके बारे में ऑलरेडी हम एक वेबसाइट पे आर्टिकल लिख रहे हैं, जैसे ही रेडी हो जाएगा मैं आपको ट्वीट कर दूंगा ट्विटर पे। अगर आप मुझे ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता भी चल जाएगा। खैर फिलहाल ये गेम तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि पबजी का नया या पुराना कोई भी गेम इंडिया नहीं आ रहा है। दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स में आज पहली टिप है कि कैसे अगर आपके फोन पे वाईफाई कॉलिंग काम नहीं कर रही है, नेटिव वाईफाई कॉलिंग, तो आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। हमने बताए हैं 5 तरीके जिनको आप जान के अपने फोन के अंदर इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे। फिर भी नहीं फिक्स होती है, कमेंट्स में लिखिए, वी विल हेल्प यू आउट। और इसके बारे में पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। अगली जो टिप है वो है कि कैसे आपको वेदर फोरकास्ट मिलेगा, न्यूज़ मिलेगा अलार्म के साथ। सुबह सुबह अगर आप अलार्म लगा के सोते हैं और सुबह अलार्म से जगते हैं, तो अलार्म के साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, साथ साथ भाई वेदर कैसा है, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ऑफिस जाना है नहीं जाना है। वैसे तो अभी ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका ऑफिस खुल गया है और इस तरह का अलार्म सिस्टम आपके पास है, तो डेफिनेटली वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। इसके बारे में भी कैसे करना है क्या करना है किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पर कर सकते हैं, आईफोन पर भी पॉसिबल है। पढ़ने के लिए जाइए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको आर्टिकल मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की सारी ताजा टेक की खबरें। टेक पोल में जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का टेक पोल। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।